AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने दावा किया है कि मुस्लिम समुदाय दो बच्चों के जन्म में अंतराल बनाए रखने के लिए कंडोम का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करता है। ओवैसी ने कहा कि जनसंख्या वृद्धि पर चर्चा करने से पहले भागवत को आंकड़े सामने रखने चाहिए। उन्होंने जनसंख्या संतुलन को लेकर RSS प्रमुख मोहन भागवत की हालिया टिप्पणी पर यह प्रतिक्रिया दी है। मुसलमानों की आबादी नहीं बढ़ रही, तुम ना खामा खा टेंशन में मत ला जाओ। अरे आबादी बढ़ रही रे, नहीं बढ़ रही, आबादी गिर रही हमारी। सबसे ज्यादा कॉन्डोम कौन इस्तेमाल कर रहा? नहीं, ये बताने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे। बताते मोहन भागवत ने 5 अक्टूबर को कहा था कि भारत को व्यापक विचार विमर्श के बाद जनसंख्या नीति तैयार करनी चाहिए और यह नीति सभी समुदायों पर समान रूप से लागू होनी चाहिए। नागपुर में RSS की दशहरा रैली में भागवत ने कहा था कि समुदाय आधारित जनसंख्या असंतुलन एक महत्वपूर्ण विषय है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए तथा जनसंख्या असंतुलन से भौगोलिक सीमाओं में परिवर्तन होता है।